सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। शाम के 8 बज चुके हैं, हम लोग आज देख रहे हैं कि भारत के हाथ से छूटता जा रहा है दो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट। ऐसा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जिससे भारत की व्यापारिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। भारत पूरे एशिया से, पूरे मतलब कि मध्य एशिया से लेकर के उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, हर जगह व्यापार करने में बहुत सुविधा हो जाएगी भारत को अगर ये दो प्रोजेक्ट मिल जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखिए। अगर अच्छा लगे तब लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ना अच्छा लगे तो मत कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि वो प्रोजेक्ट है क्या। पहला प्रोजेक्ट आपका है चाबहार, चाबहार बंदरगाह, चाबहार बंदरगाह प्रोजेक्ट। और दूसरा जो आपका है, दूसरा आपका जो है वो है कोलंबो, कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट। ये दो प्रोजेक्ट है जो कि भारत के हाथ से छूट रहा है। जो पहला प्रोजेक्ट है वो आपका ईरान में है और जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो आपका श्रीलंका में है। क्योंकि हम जान रहे होंगे कि जो ईरान है आपका, अगर आप ईरान की स्थिति की बात कीजिए तो यहां पे आपका भारत है, यहां पे आपका पाकिस्तान है और यहां पे आपका ईरान है। फिर इधर आपका जो है चाइना है और इधर आपका जो है इसके बगल में अगर बात की जाए यहां पे आपका अफगानिस्तान है। उसके बाद फिर ऊपर की बात की जाए तो यहां पर ऊपर साइड आपका अजरबैजान है, अजरबैजान है। उसके बाद फिर पहले देखिए तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद इधर आपका अजरबैजान, इधर आपका तुर्की, ठीक, और इधर आपका इराक और इधर आपका ओमान। यहां पे आपका इंडिया है, यहां पर आपका पाकिस्तान है और चाइना तो आप जानते ही हैं। देखिए मेन महत्वपूर्ण क्यों है भारत के लिए ये प्रोजेक्ट। चाबहार बंदरगाह आपका यहां पे है, भारत आपका यहां पे है। अगर चाबहार बंदरगाह पर भारत को ये प्रोजेक्ट मिल जाता है तो जब भी कोई देश कोई प्रोजेक्ट बनाता है तो वो 10-20 साल तक या मतलब कि कुछ वर्षों तक, मैक्सिमम जो है मिनिमम ये मान के चलिए कि 8-10 वर्ष तक उस पर जो मतलब कि कार्य का मतलब जितना भी कार्यक्रम होता है वो सब मतलब कि वही जो बनाए रहेगा वही करता है। तो इसी की वजह से अगर मान लीजिए भारत को ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा, भारत ये प्रोजेक्ट बनाएगा तो भारत से ये 74 किलोमीटर की दूरी पर है मुंबई, मुंबई से 74 किलोमीटर की दूरी पर है चाबहार। तो भारत के लिए व्यापार के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा भाई। भारत यहां से यहां आएगा और यहां आने के बाद पूरे मध्य एशिया चाहे हो जाए चाहे जिधर भी पूरा व्यापार का क्षेत्र जो है भारत के लिए खुल जाएगा। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरा उसी तरह कोलंबो पोर्ट जो है वो आपका इंडिया यहाँ पे है। जैसे अगर आपको पता हो तो चाइना ने जो है श्रीलंका में ही एक हम्बनटोटा पोर्ट बनाया जिसकी वजह से चाइना जो था वो अपनी रणनीति जो है वो मतलब मजबूत कर रहा है। और अगर जो है भारत को यहां पर अर्थात कोलंबो पोर्ट जो है वो श्रीलंका में ही है, अगर भारत को वो बनाने का मौका मिल जाता है तो भारत इस पोर्ट से हम्बनटोटा जो कि चीन का पोर्ट है, प्रोजेक्ट है, वहां पर नजर रख सकता है। और चीन ने 99 वर्ष तक के लिए लीज पर लिया है। जो हम्बनटोटा पोर्ट चीन ने बनाया था वो 99 वर्षों के लिए उसको लीज पर लिया है। तो इसलिए एक मिनट, इसलिए जो है ये दोनों प्रोजेक्ट भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम विस्तार में चर्चा करते हैं कि आखिर ये दोनों प्रोजेक्ट है क्या और इस दोनों प्रोजेक्ट के विस्तार पूरी चर्चा करेंगे हम। आप बने रहिए मात्र हमारे साथ 10 मिनट और देखिए पूरा विस्तार में आखिर भारत की जो स्थिति है वो कितनी अच्छी हो सकती है अगर ये दोनों प्रोजेक्ट भारत ले लेता है। तो चलिए चर्चा करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि क्या था प्रोजेक्ट।
आप देख रहे होंगे कि भारत ने दो प्रोजेक्ट, पहला कोलंबो जो कि ये दिख रहा है, और दूसरा जो है आपका वो चाह बहार प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पे दिख रहा है। अभी मैं हटाऊंगा तो आप देख लीजिएगा, ये देखिए चाह बहार प्रोजेक्ट लिखा हुआ है ना। तो चलिए आखिर देखते हैं, अगर इसके पहले आप अगर हमारी क्लास नहीं देखे हैं क्लॉक यानी कि रीजनिंग की महामैराथन, इसमें मैंने क्लॉक चैप्टर पूरा कंप्लीट किया हुआ है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आगे देखिए, अब ईरान जैसा कि अभी हमने मैप बनाया था एक, तो ईरान अगर जो है यहाँ पे भारत प्रोजेक्ट बना लेता है तो भारत के लिए देखिए ईरान ये ही है, ईरान के पूर्व में अफगानिस्तान है, ईरान के पूर्व में ही पाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, इधर आप देखेंगे तो अजरबैजान है, तुर्की है, इराक है, सऊदी अरब है, ओमान है, अर्थात भारत जो है पूरे मध्य एशिया में, पूरे मध्य एशिया में व्यापार करने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा, पूरे मध्य एशिया से व्यापार कर सकता था। और आप देख रहे होंगे कि ये देखिए ये इंडिया है और ये जो है वो, तो यहाँ पे देखिए ये गुजरात वाला एरिया दिख रहा होगा आपको, और यहाँ मुंबई, तो मुंबई से जो आपका चाह बहार है, मुंबई से चाह बहार की जो दूरी है वो 74 किलोमीटर है, जैसा कि आपको देखिए 72 किलोमीटर ये देखिए दिखा रहा है ना, 72 किलोमीटर मुंबई से चाह बहार पोर्ट, ठीक। तो ये चीज़ है, देखिए आपको अगर बता दें कि जब ये पोर्ट बन जाएगा तो जो कॉरिडोर बन रहा है अफगानिस्तान के मतलब प्रधानमंत्री के उस पर, तो देखिए अभी आप जब इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे तो आपको एक बार मैं फिर से दिखाऊंगा। ये देखिए जब कॉरिडोर, ये रेल प्रोजेक्ट परियोजना बनेगी तो आपका चाह बहार से देखिए जाहेडन, ईरान, जारागंज, अफगानिस्तान में डोलाराम, कांधार, काबुल, यहाँ कुल जो है यात्रा की जा सकेगी। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं विस्तार से कि आखिर क्या है चाह बहार प्रोजेक्ट। तो देखिए ईरान दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक प्रमुख देश है जिसकी राजधानी तेहरान है। इसके उत्तर पूर्व में तुर्कमेनिस्तान, उत्तर में कैस्पियन सागर और अजरबैजान, दक्षिण में फारस की खाड़ी, पश्चिम में इराक और तुर्की, पूर्व में अफगानिस्तान और पाकिस्तान हैं, जैसा कि अभी हमने बताया मैप में। देखिए ये दिखाया था हमने मैप में, दिखाया था ना कि देखिए इसके जो है पूर्व में हो गया, उत्तर में हो गया, दक्षिण में, उत्तर में हो गया, दक्षिण में हो गया और पश्चिम में हो गया, अर्थात यही चीज़ जो है वहाँ पे बताई गई है। तो आगे देखिए इसमें क्या है कि इसे 1935 तक फारस नाम से जाना जाता था। ईरान की अर्थव्यवस्था मुख्यतः तेल और प्राकृतिक गैस के निर्यात पर निर्भर है। ईरान की जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्यतः किस पर निर्भर है? तेल और प्राकृतिक गैस। ईरान में सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत का एक प्रमुख शहर चाह बहार है। ओमान की खाड़ी के किनारे स्थित यह एक मुक्त बंदरगाह शहर है। यहाँ मौसम सामान्य रहता है जिससे व्यापार आसान होने के साथ हिंद महासागर से गुजरने वाले समुद्री रास्तों तक भी यहाँ से होकर पहुँचना सुविधाजनक होता है। यहाँ से 72 किलोमीटर की दूरी पर चीन द्वारा पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह विकसित किया गया है। देखिए पाकिस्तान में चीन द्वारा एक बंदरगाह बनाया गया और जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था ग्वादर बंदरगाह। फिर वहीं अगर हम आगे बात करें तो चाह बहार बंदरगाह के साथ भारत संपूर्ण एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप को जोड़ने के लिहाज से सर्वश्रेष्ठ स्थान है। मध्ययुगीन अलबरूनी द्वारा चाह बहार, मतलब मध्यकाल में, मैंने मिडेवल हिस्ट्री में भी पढ़ाया था कि अलबरूनी जो आया था वो चाह बहार को भारत से, मतलब चाह बहार को मध्य एशिया से भारत को जोड़ने वाला प्रवेश द्वार कहा था, अलबरूनी ने कहा था, सोच लीजिए। चाह बहार भारत को अफगानिस्तान एवं मध्य एशिया से जोड़ सकता है। उपरोक्त विशेषताओं के साथ साथ अनेक संभावनाओं को देखते वर्ष 2016 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा के दौरान भारत एवं ईरान के मध्य चाह बहार समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। तो आप ध्यान दे दीजिए क्या कह रहा है कि 2016 में नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसके तहत चाह बहार बंदरगाह, दो टर्मिनल और 5 बथर्स का विकास भारत द्वारा किया जाएगा वहाँ पे, और इसे लगभग 10 वर्ष तक ऑपरेट करने की बात की गई थी कि मतलब 10 वर्ष तक इसे भारत ऑपरेट करेगा इस बंदरगाह को। इसी के बाद अशरफ घनी जो है अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं, जैसा कि हमने मैप में बताया था कि अफगानिस्तान आपका यहाँ है और ईरान यहाँ है, और जब रेल प्रोजेक्ट बनेगा तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उनकी मंजूरी से आपका जहेदान और उसके बाद जारांज, फिर डालाराम, फिर कांधार,
फिर काबुल, इसको जोड़ा जाएगा। तो जैसे कि देखिए इसमें हम बताते हैं आपको, इसमें जो है बताया गया है, फिर से एक मिनट रुकिएगा, देखिएगा क्या कह रहा है। तो इसी के बाद अशरफ घनी भी इससे जुड़ गए और एक टेरिलेटरल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुआ। इसका मतलब होता है कि जो रेलवे की रेल लाइन होती है उसी को ये कहते हैं, जैसे कि आगे लिखा हुआ है, चाबहार बंदरगाह के उपयोग को बढ़ाने के लिए इस एग्रीमेंट में इस बात पर सहमति बनी कि चाबहार बंदरगाह को अफगानिस्तान से जोड़ने के लिए इसे रेल नेटवर्क और सड़क मार्ग का विकास किया जाएगा। तो अब देखिए इसके तहत चाबहार के ईरान के जैदान, अफगानिस्तान के जारांज तथा डोलाराम को जोड़ने की बात की गई, जैसा कि अभी हमने मैप में दिखाया। वर्ष 2016 में हस्ताक्षरित इस एग्रीमेंट में ईरानी रेलवे तथा इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इरकान, दो प्रमुख एजेंसियों को इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना था। इस रेल परियोजना में भारत की रेलवे कंपनी इरकान द्वारा लगभग 1.6 अरब डॉलर का निवेश किया जाना था। वहीं अगर हम आगे बात करें तो 628 किलोमीटर लंबे चाबहार जैदान रेल लाइन के विषय में ईरान के ट्रांसपोर्ट एवं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ने कहा कि ईरान अकेले इस रेलवे लाइन का विकास करेगा। मतलब कि ईरान के जो ट्रांसपोर्ट एवं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि अब इस प्रोजेक्ट को ईरान अकेले संचालित करेगा, पूरा बनाएगा। और जहाँ की बाहरी सूत्रों का सूचना मिल रही है कि इसके पीछे चीन का जो है हाथ है। तो देखिए ईरान सरकार ने कहा कि बिना भारत के सहयोग से वह मार्च 2022 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। इसके लिए ईरान 400 मिलियन डॉलर अपने नेशनल डेवलपमेंट फंड से खर्च करेगा। ईरान द्वारा इस परियोजना से भारत को बाहर करने की वजह भारत द्वारा समय पर फंडिंग न किए जाने को बताया गया है, साथ ही भारत द्वारा काम प्रारंभ करने में विलंब को बताया गया है। दरअसल लंबे समय से ईरान इस प्रोजेक्ट पर रोड मैप बनाकर इस साइट पर लंबे समय तक काम कर रहा है, लेकिन भारत द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया जिसका परिणाम जमीनी स्तर पर दिखे। भारत द्वारा विलंब का प्रमुख कारण अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध थे। चूँकि अमेरिका और ईरान की कम बनती है, इसीलिए अमेरिका ने ईरान पर कुछ प्रतिबंध लगाए और इसी प्रतिबंध की वजह से भारत थोड़ा उस पर, इस प्रोजेक्ट पर थोड़ा ढीला हो गया। आगे देखते हैं क्या है कि वर्ष 2015 में परमाणु समझौते के साथ हुए परमाणु समझौते, यानी कि 2018 में अमेरिका ने खुद को अलग कर लिया था तथा ईरान पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए। इसके तहत ईरान से यदि कोई देश व्यापार करता है या किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनता है तो उस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकेगा तथा कंपनियों को अमेरिका की तरफ से ब्लैकलिस्टेड किया जा सकता है। मतलब जो कंपनी, जो टेंडर, मतलब कि जो कंपनी ये टेंडर लेगी उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा अमेरिका की तरफ से। तो इसी की वजह से, हालांकि अमेरिका ने भारत को इस प्रतिबंध से इस प्रोजेक्ट के लिए छूट दी थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट में कई प्रकार के सप्लायर, सर्विस प्रोवाइडर, कंपनियां, इंजीनियरिंग शामिल थी जो अमेरिका को किसी भी तरह नाराज नहीं करना चाहती थी, जिसके कारण विलंब होता चला गया। वहीं अगर हम बात करें आगे तो इस प्रतिबंध की वजह से भारत ने ईरान से तेल का आयात भी बंद कर दिया, जिससे ईरान के साथ भारत की दूरी बढ़ती चली गई। इस समय भारत का तीसरा बड़ा आपूर्तिकर्ता देश ईरान था। नवंबर 2019 में ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हमने सोचा कि हमारा दोस्त भारत अमेरिका दबाव का विरोध करेगा, लेकिन भारत अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहता। इस तरह ईरान एवं भारत के बीच बढ़ती दूरी ने भारत के हाथ से इस प्रोजेक्ट को निकाल दिया। मध्य पूर्व मामलों के जानकार कमर आगा कहते हैं कि पहले से यही यह लग रहा था कि यह प्रोजेक्ट भारत से निकल जाएगा, क्योंकि भारत की तरफ से काफ़ी देर हो रही थी और ईरान बार बार इसकी शिकायत कर रहा था। JNU इंटरनेशनल स्टडीज के डीन ऑफिसर अश्वनी मोहपात्रा कहते हैं कि भारत के लिए यह बड़ा नुकसान है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट रणनीति रूप से काफ़ी अहम है। वहीं कमर आगा के अनुसार ईरान की चीन से बढ़ती दोस्ती इस प्रोजेक्ट के भारत को बाहर निकालने का एक प्रमुख कारण है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया कि चीन
के का भी हाथ इसके पीछे हो सकता है। वर्ष 2016 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ईरान की यात्रा पर गए थे। इस दौरान दोनों देशों के बीच 17 समझौते हुए थे और यह कहा गया था कि दोनों देश अगले एक दशक में आपसी कारोबार को बढ़ाकर 45 लाख करोड़ रुपए तक ले जाएंगे। इस यात्रा में दोनों देशों के बीच एक खास प्रस्ताव पर बात हुई जिसमें दोनों देशों के बीच एक्सक्लूसिव आर्थिक और सिक्योरिटी पार्टनरशिप की बात की गई। ईरान ने इस समय तो इस प्रस्ताव को इतना तवज्जो नहीं दिया था, लेकिन बाद में इस प्रस्ताव को लेकर गंभीर होता चला गया। वर्ष 2016 के समझौते का रूप देने जा रहा है। खबरों के मुताबिक इस संधि को लेकर ईरान और चीन के बीच बातचीत फाइनल स्टेज में है। संधि का मसौदा अभी स्पष्ट नहीं, लेकिन लीक हुई बात में यह बिंदु निम्नलिखित है। 25 साल के लिए चीन और ईरान में पार्टनरशिप करार होगा। इन 25 साल में चीन ईरान में करीब 30 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। पार्टनरशिप व्यापारिक, आर्थिक और सैन्य होगी। ईरान चीन को डिस्काउंट रेट पर कच्चा तेल देगा। ईरान में चीन को फ्री ट्रेड जोन्स की प्राप्ति होगी। तो ये सब चीज़ें चीन को दी जाएंगी अगर चीन ये प्रोजेक्ट करेगा तो। हथियार बनाने और खुफिया जानकारियां शेयर करने के भी दोनों पार्टनर होंगे। तो साथ ही चीन और ईरान की सेनाएं जो हैं वो साझा ट्रेनिंग करेंगी। बैंकिंग, बंदरगाह, रेलवे समेत कई दर्जनों सेक्टरों में चीन निवेश करेगा। इस तरह अमेरिकी प्रतिबंधों से अलग थलग पड़े ईरान को हाथ थाम कर चीन ने उसे अपने पक्ष में कर लिया है। चीन आने वाले समय में चाबहार बंदरगाह पर भारत के लिए दिक्कत का कारण बन सकता है। तो ये था चाबहार बंदरगाह। आगे हम देखेंगे कि आखिर क्या है कोलंबो प्रोजेक्ट। तो कोलंबो प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो देखिए, भारत श्रीलंका भारत का प्रमुख पड़ोसी देश है, जिसमें भारतीय तमिल समुदाय के साथ साथ दक्षिण भारत मूल के लोग निवास करते हैं। श्रीलंका भारत का न सिर्फ पड़ोसी देश है, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति स्थापित करने में इसकी अवस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ चीन द्वारा हम्बनटोटा बंदरगाह का विकास किया गया, जिसे चीन ने 99 साल के लिए लीज पर लिया है। इसके अलावा भी कई जगहों पर चीन ने बड़ी मात्रा में निवेश किया है। इस बंदरगाह के चीन के पास जाने के बाद भारत श्रीलंका में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए दो विकल्पों का चयन किया। पहला विकल्प था मटाला राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन के कार्य को अपने हाथ में लेना। दूसरा विकल्प था कोलंबो प्रोजेक्ट मटाला या मटाला एयरपोर्ट के संदर्भ में। यह बात चल रही थी कि भारत इसमें बड़ी हिस्सेदारी मिलेगी। यह हवाई अड्डा कोलंबो से 241 किलोमीटर दूर हम्बनटोटा शहर में स्थित है, जिसका विकास श्रीलंका ने चीन से पैसे उधार लेकर किया है। इस हवाई अड्डे को दुनिया के सबसे खाली एयरपोर्ट का दर्जा प्राप्त है। वर्ष 2013 में इसका संचालन शुरू हुआ था और 2017 में इस हवाई अड्डे के संचालन के लिए निवेश आमंत्रित किया गया था। वहीं अगर हम आगे बात करें तो भारत से हम्बनटोटा पर चीन द्वारा किए गए कार्यों पर नज़र रख सकता है। मतलब अगर भारत को यह प्रोजेक्ट मिलता है तो यहाँ से हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीन द्वारा जो किए जा रहे कार्यों पर भारत नज़र रख सकेगा। यहाँ पिछले साल निर्वाचित होकर आई राजपक्षे परिवार ने अपने चुनाव भाषण में यह कहा था कि अब कोई राष्ट्रीय संपत्ति बेची नहीं जाएगी। इसी कारण राजपक्षे परिवार भारत से यह कह रही है कि मटाला एयरपोर्ट में हिस्सेदारी न खरीदे। महिंद्रा राजपक्षे का संसदीय क्षेत्र हम्बनटोटा है, इसी क्षेत्र के अंतर्गत मटाला एयरपोर्ट आता है। इसलिए इनका कहना है कि आगामी चुनाव या इस समय यह बात श्रीलंका के लोगों को ठीक नहीं लगेगी कि एक प्रोजेक्ट दूसरे देश को बेच दिया जाए। इसी कारण यह चाहते हैं कि भारत इसमें अपनी भूमिका शामिल न करे। कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट विकसित करने का प्रस्ताव भारत और जापान लेकर श्रीलंका पिछली बार सरकार के पास गए थे। भारत और जापान कोलंबो पोर्ट के पूर्वी टर्मिनल का 49% हिस्सा खरीदना चाहते थे, इसलिए श्रीलंका के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर भी हस्ताक्षर हो चुका था। नई सरकार ने कहा कि वह इस प्रोजेक्ट और MOU का रिव्यू करेंगे। दरअसल यहाँ के लोग के बीच यह बात फैल रही है कि उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। वहीं अगर हम आगे बात करें तो दरअसल कई संगठन चीनी समर्थन एवं भारत विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित है। कुछ समय पहले चीन ने श्रीलंका को कोरोना से लड़ने के लिए $50 मिलियन की राशि दी थी। पहले से ही चीन
के ऋण जाल में फंसे श्रीलंका के लिए यह चिंताजनक है। मतलब चूंकि चीन ने 500 मिलियन डॉलर जो है श्रीलंका को दिया था, इसीलिए जो है श्रीलंका उसके कर्ज के नीचे दबा हुआ है और वो मजबूर है। तो देखिए, अगर आप लोग हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, चाल, समय और दूरी पूरा एक क्लास में कंप्लीट किया गया है, मैराथन क्लास, ठीक, और उसी के साथ साथ कैलेंडर भी जो है आपका कंप्लीट किया गया है। तो लगातार जो है हम एक से एक क्लास दे रहे हैं। अगर आपको हमारे चैनल पर कुछ भी अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लगातार हम आपके लिए